अलग अलग तरीके ढूंढते हैं रोमांस करने का। और हमारे लिए हर दिन वैलेंटाइन्स डे है। हर रोज मैं उनको प्यार करता हूँ, मेरा प्यार हर रोज इनको जब मैं देखता हूँ तो मेरा प्यार बढ़ता रहता है। गाइस वैलेंटाइन्स डे है, वैसे तो हमने देखा ही था शेफाली जब घर पे थी, पराग ने बहुत ही ज्यादा मिस किया था, टू टेल यू आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग इट, बट हमारी बातचीत जब होती थी पराग से ही इज रियली रियली मिसिंग यू। तो सबसे पहले तो पराग से जानना चाहेंगे कि उस ये जो इतने दिन आपने बिताए विदाउट शेफाली किस तरह की फीलिंग थी, कुछ कहना चाहिए? यार बहुत एम्प्टीनेस की फीलिंग थी, बिकॉज पहली बार ऐसा हुआ था, हम 10 साल के रिलेशनशिप में हम लोगों के 2010 से हम लोग साथ में कि पहली बार ऐसा हुआ था कि 13 हफ्ते के लिए मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा था। हम लोग काम के सिलसिले में बाहर जाते रहते थे, भले वो हफ्ता भर हो, 10 दिन हो, 15 दिन हो, लेकिन हम डेली सुबह उठते ही मेरा ये होता था कि हाँ फेस टाइम पे या किसी वीडियो कॉल पे हम लोग बात कर लेते थे, आवाज़ सुन लेते थे एक दूसरे की, तो वो कम से कम एक सुकून मिल जाता था, हाँ शी इज़ ऑल राइट या आई एम ऑल राइट, सब चीज़ें थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि कोई कनेक्शन नहीं था, सिर्फ उनको मैं 10:30 बजे देख पाता था कि वो सही है, सब कुछ ठीक है या नहीं है। और सबसे बड़ी क्या होती है ना, हम दोनों में जब भी कोई खुशी की बात होती है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई थी कि मैं उनको बता नहीं पा रहा था, और मेरी खुशी मैं सबसे पहले इनको बताता हूँ, और मेरी खुशी समझ में नहीं आ रही थी मैं किसके साथ बांटूं। मम्मी डैडी को बात कर लेता था, उनको बता देता था, बट जो मुझे इनके साथ सुकून मिलता था बात करके, और हम लोग है ना फिर उसको एंजॉय करते थे, वो मेरी खुशी है ना 10 गुना ज़्यादा हो जाती थी। और कितनी बार ऐसा हुआ कि मैं उनको बता नहीं पा रहा था, और मुझे अंदर इतनी हो रहा था कि यार मैं कैसे बताऊँ कैसे बताऊँ, तो वो सारी बातें थी। और घर काटने को दौड़ता था इनके बिना, जब काम पे रहता था तो ठीक था, लेकिन जब ऑफ होता था तो समझ में नहीं आता था कि मैं घर पे बैठ के क्या करूं। फिर 10:30 बजे का वेट करता था कि 10:30 बजे के मैं उनको देख पाऊंगा, और मैं बस बहुत ही ज़्यादा खालीपन था। लेकिन ऑफ कोर्स मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूं कि परी ने अपने आप को इतना अच्छे से वहाँ पर कंडक्ट किया, हर चीज़ इतने ग्रेसफुली वहाँ पर की, सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई और सब लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं इस दुनिया का सबसे ज़्यादा प्राउड हस्बैंड हूँ। आप दोनों की बात करें वैलेंटाइन डे, वैसे तो वी सीन यू नो वी मेट यू गाइस पर्सनली आल्सो, वी नो बोथ ऑफ यू ऑल आर वेरी रोमांटिक, पर दोनों में से अगर पूछूँ तो सबसे ज़्यादा रोमांटिक वाला एंगल किस में? पराग एब्सोल्युटली, वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत इनोवेटिव है, अलग अलग तरीके ढूंढते हैं रोमांस करने का। आई बिलीव इन एक्सप्रेसिंग माय लव एवरीडे। या ही इज वेरी एक्सप्रेसिव, वो बिल्कुल उनको झिझक नहीं है अपना लव एक्सप्रेस करने में, सो आई थिंक दैट इज रियली रोमांटिक ऑफ हिम। तो वैलेंटाइन डे पे क्या प्लान है? पराग भी शूट कर रहे हैं, मैं भी शूट कर रही हूँ आज, आई थिंक वी आर गोइंग टू पुल एन ऑल नाइटर, बट वील हैव ब्रेकफास्ट टुगेदर टुमारो मॉर्निंग जब हम मिलेंगे। ऑफ कोर्स वो तो डेफिनेटली, और हमारे लिए हर दिन वैलेंटाइन्स डे है, हर दिन वैलेंटाइन्स डे है, हर रोज मैं उनको प्यार करता हूँ, मेरा प्यार हर रोज इनको जब मैं देखता हूँ तो मेरा प्यार बढ़ता रहता है, तो मेरे लिए तो वही वैलेंटाइन डे होता है, जब सुबह इनकी जब सुबह उठती हूँ स्माइल देखता हूँ तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। आप अपना पैकअप करो, आपको 4-5 बजेंगे, मुझे 4-5 बजेंगे, फिर सीधा ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे। आई थिंक दैट विल बी आवर वैलेंटाइन, वी गो फॉर ब्रेकफास्ट, 5 बजे तक पैकअप होगा एंड देन वी विल डायरेक्टली गो फॉर ब्रेकफास्ट। ऑलराइट, वी हैव अ स्मॉल गेम फॉर यू ऑल, एक एक चिट उठाकर उसमें जो सवाल है एक दूसरे को पूछना है। आई गो लेडीज फर्स्ट प्लीज बेबी, सारे आप पूछ सकती हैं। योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ मी? यार इम्प्रेशन नहीं, मैं बिल्कुल बोलते ना जैसे मैंने बताया फट से बोलो फर्स्ट इम्प्रेशन। फर्स्ट इम्प्रेशन वही था कि यार इतनी खूबसूरत लड़की कैसे हो सकती है इस दुनिया में। ऑफकोर्स बट मिलने के बाद पता चला जितनी आप बाहर से खूबसूरत है उससे ज्यादा आपका दिल खूबसूरत है। हाय इतनी तारीफें आज, चलो उठाओ। हु इज मोर लाइकली टू बी लेट ऑन सेट? मी, he is very punctual. Are but you too yaar, she never, we never, we are actually very particular. Wo discipline hum dono mein hai, itne saalon se hum log kaam kar rahe hain, mujhe nahi lagta ki shayad hi koi din hua, but main fir bhi ho sakti hu, aap nahi ho sakte, 5 minute bhi late hue ho, we are very particular. Aaj 15 minute late the, by the way kahan nahi yahan babu, because mujhe shoot pe jana hai na, so I had to prepare everything. Okay, chalo. She is talking about sex, she is talking about, okay, one thing you hesitant to talk about? Cleanliness, because he doesn't get it, so there's no point talking नहीं, about it. पूछो तो मुझे बताना है ना। हाँ पूछो। हाँ। One thing you are hesitant to talk about? I am नहीं, मैं कुछ भी नहीं है ऐसा, बस जब भी आप बोलते हो कबाट खोलो तो मैं बोलता हूँ नहीं बेबी, ओके। कि कबाट नहीं खोला। ये तो है, कबाट नहीं खोला। ऐसे खड़ा हो जाता हूँ, नहीं बेबी। या please please please, उसके अंदर कुछ है। कुछ मुर्दा छुपा है। Sorry.
When did you first realize that you were in love with me? Yes. बहुत पापड़ बेले ना तुमने. I think 6 months into the relationship, on my birthday, I realized. We met in August और मेरा birthday December में आता है. So I think in December I realized कि इसमें कुछ है. नहीं मैं तो पहले दिन ही आपको प्यार करता हूँ. मेरी बात हो रही है. नहीं मैं अपना बता देता हूँ. अच्छा चलो. Sorry हाँ. मैं बहुत कैरियर हो गया. Best thing about our marriage. बेस्ट थिंग इज हम लोग 10 साल से साथ में हैं और हम अभी भी हमारी दोस्ती बढ़ती जा रही है. और वो हमारा वो डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है. मतलब इट्स वी आर बेटर फ्रेंड्स देन यू नो वी वर एनीवन. वेल डन. अच्छा मेरी बारी. वन थिंग यू हैव लर्न फ्रॉम मी. What I've learned from you? God, इतनी सारी तारीफ नहीं सुन सकता मैं. भगवान, what have I learned from you? Acting. हमेशा I was very confident in dancing, but जब पराग ने मुझे encourage किया, but you have always been a good actor. ये हमेशा मुझे कहते थे. सिर्फ मैंने उनको realize कराया कि you are a good actor. That's it. Yeah, but I learned because पराग का theatre का background है, so he helps me with my scripts. वो मुझ मेरे साथ बैठते हैं, मुझे tricks देते हैं, tips देते हैं, exercises दिखाते हैं. So I think acting definitely from him. और dancing मैं इनको सिखाती हूँ. हाँ, वही वो तो अपनी उंगली पहने चाहते हैं. One thing about me that I know you the most. फिर से बोलूं, सफाई नहीं रखते बिल्कुल भी. एक चीज यहाँ पे की, एक चीज वहाँ पे की है. कबर्ड इनका बहुत गंदा होता है. हमारे हमारा वैसे कोई झगड़ा नहीं होता. जब आए थे घर पूरा नीट एंड क्लीन था ना. कबर्ड खोल के देखना चाहिए था. कबर्ड की बात करता हूँ. ऐसी चीजें मतलब एक ही पॉइंट पे हमारा झगड़ा होता है. आपका कबर्ड कितना मैसी है. चलो अभी आपकी बारी. One thing that I have done for you that you really loved. मतलब मैं ये बोल सकता हूँ दिल से कि मैं आज जो यहाँ पर इतना confident हूँ हर चीज़ में. मैं जब उनसे मिला था ना तो मुझे बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना मैं एक छोटे टाउन को बिलोंग करता हूँ ना. मुझे इतनी इंग्लिश आती थी अच्छी तरह से और ना ही मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि मैं कैसे अपने आप को लोगों के सामने रखूँ अपनी बातों को या किसी भी चीज़ को. तो इनसे मैं इन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया हर चीज़ में. इन्होंने कैसे किससे बात करनी चाहिए वो सलीका सिखाया है. और बेसिकली जो मैं आज अपने आप को मैं ये बोल सकता हूँ एक बॉटम लाइन में कि आज मैं जिस मकाम तक पहुँचा हूँ उसमें सबसे बड़ा हाथ इनका है. Do you think I have changed after becoming an actor? I always knew you as an actor only, but he has बहुत ज़्यादा इनमें growth हुई as a person since we are together. पराग बहुत ही emotionally पहले closed हुआ करते थे. Emotionally not with me but with the world. But अब बहुत ज़्यादा expressive है and he's really matured and he's really grown. That's so sweet. Okay, before you wrap up, Shivani, you've been an amazing daughter. You met your parents. You've been an amazing sister, now wife. Have you thought about motherhood? Of course, I have a child at home. His name is Simba. I am his mother. But yeah, we have thought about motherhood, parenthood. From the moment I understood the concept of adoption, when I was about 11 or 12 years old, मेरी हमेशा से चाह रही है कि हम बेटी घर लाएं. एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट यू नो बिकॉज पहला सवाल यही आता है कि खुद के बच्चे कर लो. एंड इट्स नॉर्मल. आई अंडरस्टैंड ये एप्रीहेंशंस होते हैं हमारे फैमिली में. बट पराग इज़ ऑन बोर्ड विद द आइडिया. मुझे लगता है कि ऑफकोर्स वी कैन हैव किड्स ऑफ आर ओन, बट यहाँ पे इतने बच्चे हैं हु नीड अ होम. And we are capable of giving them a good life, giving them a good education, giving them a good upbringing. So yes, parenthood is on the cards, and we would love to adopt a baby girl. Biological baby se pehle, we would like to adopt a baby girl, of course. A baby girl. And then biological, of course. That's lovely. Last message to all the fans out there on Tere Masala, any love message to Abdina Chai, because you guys are couple goals for a lot of people. Really? So to all the viewers of Tele Masala, here's wishing you a very happy Valentine's Day. और हम यही बोलना चाहेंगे कि
यार सिर्फ प्यार करते रहो, हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है, और कभी भी ईगो मत लेके आना प्यार प्यार में अपने अपने कंपेनियन के साथ, जो आपका बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, कभी भी ईगो मत लेके आना यार। और लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू फाइट, यू नो, तो आप एक भी पल वेस्ट मत करो। आपके दिल में फीलिंग आती है, जस्ट बी एक्सप्रेसिव अबाउट योर फीलिंग कि यू लव हर और यू लव हिम। सो आप बस बोलते रहो, हर दिन वैलेंटाइन डे मनाओ, और स्पेशल वैलेंटाइन डे का आप वेट मत करो, क्योंकि प्यार करने के लिए सारे दिन कम पड़ते हैं। एंड बी फ्रेंड्स, बी बेस्ट फ्रेंड्स, एंड देन लाइफ इज ब्यूटीफुल। एंड ऑफ कोर्स द बेसिक फाउंडेशन इज ट्रस्ट आल्सो। प्लीज ट्रस्ट योर पार्टनर ऑलवेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हैप्पी वैलेंटाइन डे टू यू।